शिक्षा का अधिकार। आप जिस लड़की को देख रहे हैं वो मेरी बहन प्राची है। वो 4 साल की है और उसे जन्म से ही चलने में यानी लोकोमोटर दिव्यांगता है। प्राची बचपन से ही बहुत चंचल और जिज्ञासु रही है। उसे गेंद और ब्लॉक से खेलना पसंद है। उसे पेंट करना और स्क्रिबल करना भी पसंद है। अन्य बच्चों की तरह वो भी बाहर जाकर खेलना चाहती है। उसे चलने में मदद की जरूरत पड़ती है और इस वजह से उसके हम उम्र बच्चे उसे अपने खेल में शामिल नहीं करते। हमारे कई रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कहा कि उसकी दिव्यांगता परिवार पर बोझ है। वे समझते हैं कि चलने में कठिनाई के कारण प्राची को पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये गलत है। वे कहते थे कि प्राची पढ़ाई नहीं कर पाएगी और वो घर पर ही बैठेगी, लेकिन मेरे माता पिता इन बातों से प्रभावित नहीं हुए। मेरी माँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और पिता किसान हैं। मेरी माँ का हमेशा से मानना रहा है कि प्राची को दूसरे बच्चों की तरह ही पढ़ना लिखना चाहिए। अम्मा उसे रोज अपने साथ आंगनवाड़ी ले जाती हैं। प्राची वहां बैठकर पेंटिंग, कविता सुनाना, अक्षर और गिनती सीखने जैसी गतिविधियां करती है। प्राची को आंगनवाड़ी जाना बहुत अच्छा लगता है और वो आंगनवाड़ी में जो कुछ भी सीखती है उसके बारे में हर दिन बाबा को बताती है। अम्मा भी घर पर उसे कविताएं, संख्याएं और शब्द पढ़ाती है और प्राची इतनी जिज्ञासु बच्ची है कि वो उनका भरपूर आनंद उठाती है और उसे सिखाई गई सारी बातें स्लेट पर लिखती है। 6 साल की उम्र तक प्राची कम अक्षरों वाले शब्द लिखना सीख गई। वो अंक बोल और लिख सकती है और लघु कथाएं व कविताएं सुना सकती है। बाबा ने उसका दाखिला भी उसी सरकारी स्कूल में कराया जिसमें मैं पढ़ता हूं। प्राची अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर अपनी नई किताबें और बैग लेकर स्कूल जाने को लेकर उत्साहित है। प्राची बैसाखी के सहारे चलती है। ओ, आप हैरान हैं कि प्राची पढ़ सकती है और उसने स्कूल में दाखिला भी ले लिया है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। शिक्षा का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन की धारा 28 के अनुसार राज्य बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हैं और इस दृष्टिकोण से कि ये अधिकार उन्हें उत्तरोत्तर व समान अवसरों के साथ मिलता रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 6.10 ECCE और स्कूली शिक्षा प्रणाली में दिव्यांग बच्चों के समावेश और समान भागीदारी सुनिश्चित करने को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांग बच्चों को आधारभूत यानी फाउंडेशनल स्तर से उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार अनुच्छेद 16 संबंधित सरकार और स्थानीय अधिकारी ये प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थान दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें।